भारत को 2011 में वर्ल्ड कप जिताने वाला, भारतीय क्रिकेट की बैकबोन कहे जाने वाला और मैदान में उतरे तो बल्ले से चौके छक्कों की बरसात करने वाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर युवराज सिंह की, जो अब आपको क्रिकेट के मैदान में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। सोमवार को अपने 19 साल के करियर को विराम देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में खेल से जुड़ी यादों को साझा करते हुए क्रिकेट को एक खेल नहीं बल्कि अपना साथी बताया। And in around 22 years and almost 17 years of international cricket on and off, I have decided to move on. Thank you for taking the time out to be here and to support me. Cricket has given me everything I have and is the reason why I stand here today. It was a love-hate relationship with the sport in retrospect. I don't think I hated this game because the love I have for it today, which will remain constant until the end of life. भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रहे युवराज सिंह के टैलेंट को 2000 में पहचान मिली थी। युवराज सिंह ने 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपने करियर के दूसरे वनडे मैच में ही धमाका कर दिया था। ट्रियम्फ में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक जमाकर क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। उन्होंने ताबड़तोड़ 203 रन बनाए थे और इस टूर्नामेंट के कुछ समय बाद ही युवराज सिंह को राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया गया था। अपनी उपलब्धियों को बताते हुए 2004 में लाहौर में बनाया अपना पहला टेस्ट शतक, 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में लगाए गए 6 छक्के और 2011 का विश्व कप जीतना और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना जाना उनके जीवन के सबसे यादगार लम्हे थे। I can't really explain it in words what is that feeling. This game taught me how to fight, how to fall, to dust myself off, to get up again and move forward. I have failed more times than I have succeeded, but I never gave up and will never give up till my last breath. And that's what cricket taught me. I gave my blood and sweat to the game once I got onto it. Especially when it came to representing my country. कैंसर जैसी बीमारी भी उनके क्रिकेट खेलने के जुनून को नहीं रोक पाई। कैंसर जैसी बीमारी का होना आसमान से जमीन पर आने जैसा था, लेकिन ये उनका हौसला ही था जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने का अपना सपना पूरा करने के बाद ही कैंसर का इलाज कराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ पत्नी हेजल और उनकी माँ भी मौजूद रही। वही युवराज सिंह भावुक नजर आए। युवराज सिंह ने बताया कि ये संन्यास लेने का सबसे बेहतरीन दिन था। साथ ही उन्होंने बताया कि जब उन्हें कैंसर हुआ था तो सभी ने उनका साथ दिया था, जिसके लिए युवराज सिंह ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि मैंने क्रिकेट के लिए खून पसीना बहाया है और अब मेरी प्राथमिकता कैंसर रोगियों की मदद करना होगी। नेशन वन के लिए कंचन कापड़ी की रिपोर्ट।